नमस्कार दोस्तों, जीके चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे मुरुदेश्वर मंदिर के बारे में। दोस्तों भारत में ऐसे कई प्राचीन मंदिर हैं जिसका संबंध या तो दूसरे युग से है या फिर उसका इतिहास हजारों साल पुराना है। आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है, खासकर रावण से। लेकिन दोस्तों इस मंदिर के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे चैनल से जुड़े नए नए वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सकें। दोस्तों यह मंदिर कर्नाटक में कन्नड़ जिले के भटकल तहसील में स्थित है, जो तीनों ओर से अरब सागर से घिरा हुआ है। समुद्र तट पर स्थित होने के कारण इस मंदिर के आसपास का नज़ारा दोस्तों बहुत ही खूबसूरत होता है। दोस्तों इस मंदिर का नाम मुरुदेश्वर मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। मुरुदेश्वर भगवान शिव का ही एक नाम है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस परिसर में भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति स्थापित है, जो दुनिया की दूसरी सबसे विशाल मूर्ति है और ऊंची शिव प्रतिमा भी मानी जाती है। भगवान शिव की इस विशाल मूर्ति की ऊंचाई करीब 123 फीट है और इसे इस तरीके से बनाया गया है कि दिन भर सूर्य की किरणें इस पर पड़ती रहें, जिसकी वजह से मूर्ति हमेशा चमकती रहती है। इसे बनाने में करीब 2 साल का वक्त लगा था और करीब 5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इस खास मंदिर को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भारी संख्या में लोग आते हैं। यह मंदिर कस्बा अरब सागर तट पर स्थित है और मंगलुरु से 165 किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे बहुत ही सुंदर और शांत स्थान पर स्थापित है। मुरुदेश्वर मंदिर सागर तट कर्नाटक के सबसे सुंदर तटों में से एक है। इस मंदिर का इतिहास रावण काल से जुड़ा हुआ है, इसलिए भी यह मंदिर विशेष है। कुंदका पहाड़ी तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। पर्यटकों के लिए यहाँ आना किसी जन्नत से कम नहीं है। एक तरफ भगवान भोलेनाथ के 2 दर्शन होते ही हैं, तो दूसरी तरफ समुद्र से घिरे होने की वजह से ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। दोस्तों इस मंदिर की पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण जब अमरता का वरदान पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या कर रहा था, तब शिव जी उसकी तपस्या से खुश होकर उसे एक शिवलिंग दिया, जिसे आत्मलिंग भी कहा जाता है। और शिव जी ने कहा कि अगर तुम अमर होना चाहते हो तो इसे लंका ले जाकर स्थापित कर देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसे जिस जगह तुम रख दोगे ये वहीं स्थापित हो जाएगा। भगवान शिव के कहे अनुसार रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही उसने शिवलिंग को धरती पर रख दिया, जिसके वजह से वह वहीं स्थापित हो गया। इससे रावण को क्रोध आ गया और उसने शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया। इसी क्रम में जिस वस्त्र से शिवलिंग ढका हुआ था वह मुरुदेश्वर के कुंदका पर्वत पर जा गिरा। उसी मुरुदेश्वर को अब मुरुदेश्वर नाम से जाना जाता है। शिव पुराण में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। दोस्तों गोपुरा आमतौर पर किसी भी हिंदू मंदिर का मुख्य द्वार होता है। राजगोपुरा 20 मंजिला इमारत है, जो कि मुरुदेश्वर मंदिर का प्रवेश द्वार है। श्रद्धालु इस गोपुरा में लिफ्ट का इस्तेमाल कर ऊपरी मंजिल पर पहुँच कर मुरुदेश्वर मंदिर, शिव प्रतिमा और मीलों दूर तक फैले समुद्र को देख सकते हैं। मुरुदेश्वर मंदिर के आसपास किला, गार्डन और वो तमाम चीजें जहां आप पूरा दिन गुजार सकते हैं यहां मौजूद हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपको ये मंदिर कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ इसे लाइक भी कीजिए, इससे कि हमारा प्रसार बढ़ सके और हम आपके लिए और भी अच्छे नए वीडियो ला सके। दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।